हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमपी के यूजी और पीजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। और सबसे पहली जो न्यूज़ है वो ये है कि अब जो स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करना चाहते हैं एग्जाम का और नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू कोविड, वो आराम से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं टिल दी डेट ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब जो 31 मई की जो लास्ट डेट थी अब वो नहीं है, आप अपने एग्जाम के दिन तक भी अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि जो एडमिशन प्रोसेस है किसी भी कॉलेज में 2021-22 सेशन के लिए, अब वो 12th के रिजल्ट के बाद ही स्टार्ट होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि जो प्रोसेस रहेगी एडमिशन प्रोसेस, वो पूरी ऑनलाइन प्रोसेस रहेगी। आपको ऑनलाइन ही अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना रहेगा, अपलोड करना रहेगा, और ऑनलाइन वेरिफिकेशन के बाद में आपको मेरिट के बेसिस पे एडमिशन मिलेगा अलग अलग कॉलेजेस में। न्यूज अगली ये है कि जो ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस रहेगी उसी के साथ साथ में आपका एनरोलमेंट भी आपके कॉलेज में हो जाएगा, जिससे आपको दो बार ये प्रोसेस को करना नहीं पड़ेगा। लास्ट न्यूज ये है कि जो स्टूडेंट है जिन्होंने 12th पास किया है एमपी बोर्ड के ही किसी स्कूल से, तो उनको फिर से अपना जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है वो यूनिवर्सिटी कंसर्न यूनिवर्सिटी में शो नहीं करना पड़ेगा। एंड दिस डिसीजन हैज बीन टेकन बाय हायर एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर मोहन यादव जी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन।